Hello guys, welcome back to my YouTube channel. आज हम लोग खेलने वाले हैं GTA 5. तो जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा, हमने Mercedes Benz गाड़ी चुराई. वो गाड़ी को किसने चोरी कर ली? तो हम लोग बहुत टेंशन में आ गए हैं. तो हम लोग आज ये गाड़ी चोरी करेंगे और जाएंगे सिमियोन के पास, जो कि है कार डीलर, अपना कार बेचने. तो चलिए सबसे पहले ये गाड़ी चोरी कर लेते हैं और चलते हैं. मैं FM रेडियो ऑफ कर लेता हूँ वरना कॉपीराइट आ जाएगी. और सबसे पहले हम लोग जाएंगे सिमियोन के पास. और हाँ, ड्राइविंग जरूर देखें, क्योंकि हमने ड्राइविंग बाइक के इंस्टीट्यूट से सीखी है. तो चलिए चलते हैं सिमियोन के पास. हमने ये मैप पे मार्क लगा लिया. लगता है सिमियोन अपना शटर बंद करके कहीं भाग गया है. हमें सिमियोन को खोजना पड़ेगा. चलिए हम लोग मेन गेट पे जाते हैं, उसे देखते हैं कहाँ छिपा पड़ा है ये, और अपना ये चोरी का कार डील करके आते हैं. तो सबसे पहले चलते हैं उसे मिलने. ये क्या, ये किससे बातें कर रहा है? चलिए देखते हैं आगे क्या होता है. What do you mean a mentor? Don't worry about that. Okay, so what you got for him? James DeSanta. Some kid. He is already late on his payments, and I have this bad feeling that he will do more damage to the car than we can get back from him in the exorbitant interest rate payments, huh? Just go and get it. The house is on Hampstead, off Eclipse. It's an SUV. Some Rockford Hills daddy's boy nonsense. Don't worry about it. Try to bring the car back in good condition, huh? I got you. Don't worry about it. It's so good to see you, my boy. Hey, good luck in law school, huh? तो हुआ ये कि हम लोग अपना चोरी का गाड़ी बेचने आए सिमियोन के पास. तो सिमियोन ने हमें एक काम दे दिया. आप लोग जानते ही होंगे माइकल को, जो फ्रैंकलिन का दोस्त बनने वाला अगले मिशन में. तो उसके बेटे ने सिमियोन से कार लोन पे लिया था. तो सिमियोन ने फ्रैंकलिन को बोला वो कार को रिकवर करने के लिए. तो वो कार रिकवर करने के लिए फ्रैंकलिन जा रहा है माइकल के घर. Did you change your mind? When I discover that you betray me, perhaps. I hear you took the bike for yourself, my employee of the month. Listen, man, me and Lamar was gonna get that back to you, dawg. Oh, I am sure. You will get this car off the daddy's boy, and then we talk. Insurance papers say they have a locked garage, so you'll need to gain access from inside the house. Man, it's never easy with you, is it, Simi? Do not talk to me about easy, you thief. तो अब सिमियोन हमें बोल रहा है कि हमें कार रिकवर नहीं करनी, हमें कार चोरी करनी है. तो सबसे पहले मैं ये FM रेडियो ऑफ कर लेता हूँ ताकि कॉपीराइट ना आए. और चलते हैं माइकल के घर में कार चोरी करने के लिए. तो हम लोग माइकल के घर के पास पहुँच गए हैं. हमें माइकल के घर के अंदर जाना है और सिमियोन की कार को चोरी करके सिमियोन को देना है.
तो सबसे पहले चोरी छुपे बिना आवाज के इस गार्डनर को हमें मारना है। फ्रैंकलिन तो बड़े ही ताव में आ गया और ये गार्डनर को निपटा दिया यहीं पे। माइकल का गैराज लॉक्ड है तो हमें माइकल के घर के अंदर जाना होगा चोरी छुपे। तो सबसे पहले हम लोग चोरी छुपे एंट्री करने का रास्ता देख लेते हैं। तो हम लोग इस कार के सहारे अब माइकल के घर के अंदर जा सकते हैं और ऊपर चढ़ जाएंगे और इसके रूफ टॉप पे ही चढ़ जाएंगे और इसके बाद अंदर जाएंगे। Tried to knife attack me? No one creeps on the J-Dog, my niggas. I don't... Cut your dick off if you call the administrator. Hey, you know what? I am the administrator. यहाँ से हमें चोरी छुपे जाना है और कार को लेके सीमान को दे देना है। Semen, bitch. Oh my god, seriously? My brother is such a homo. Thank you, coach. You're a real pro, Mrs. DeSanta. A real pro. Now you're a great student. Now just loosen up those hips. Okay, like this? Yeah. ये क्या माइकल की बीवी का तो अफेयर चल रहा है टेनिस कोच के साथ? Perfect. Okay. I think I'm getting it. ये हमें कार मिल गई। हम लोग कार लेके निकलते हैं। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। तो फिर अब हम लोग निकल चुके हैं। हम लोग चलते हैं सिमियन के पास उसे अपने उसकी कार देने। Hey Simeon, I got the ride, man. I'm coming back. If you actually bring the repossession to me this time, I can have it back out on the street before the day is done. जैसा कि आप लोग देख सकते हैं माइकल कार के अंदर है और हमें गन पॉइंट पे इशारा दे रहा है कि तुम किसके लिए काम करते हो, वहाँ मुझे ले चलो। तो फ्रैंकलिन माइकल को सिमियन के पास ले चलते हैं। And looking at the way you're going about this, my guess, you're working a credit fraud. A credit fraud? Be serious, dude. I just worked the fucking repo. I appreciate a kid who follows orders without taking responsibility. Yeah, maybe one day we'll have a beer, and I'll explain how the world really works. Who gives you the slip? A car dealer, dawg, by the name of Simeon Yeterio. So this businessman, he look legit to you? Look, man, it's just between him and your fucking son. Watch it! It's just between him and your fucking son. Don't worry. Me and Mr. Yeterio, we'll work this out. Hey man, it's Jess up here. Okay, stop the car. यहाँ माइकल फ्रैंकलिन को बोलता है सिमियन की कांच को तोड़ते हुए सिमियन के स्टोर में अपना ये कार्ड ले चले। And fast, or I'll put two rounds in the back of your skull and do it myself. Man, you can't be for real. I look like a fucking joke to you. Man, fuck my life, man, fuck it. फ्रैंकलिन डर के वो कार को ले जाता है और सिमियन की विंडो तोड़ देता है। Mr. Simeon, it's not exactly how it looks. I always trump big for a job well done. Now get out of here, kid.
You mother. इसके बाद माइकल और सिमियन का झगड़ा होता है और वो दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं। Fucking asshole. You recognize this car? Huh? Does it look like it's worth $5,000 a month to you? You fucking racist! I'll tell you something. This thing's gonna need some serious body work before it's worth $5,000 a month. He agreed to financing. I have his signature. Yeah. Did he agree to have some punk break into my fucking house? I don't know. That kid might be a fucking idiot, but you are a fraudulent scumbag piece of shit. Don't make me have to come back. So Michael and Simeon का झगड़ा होने के बाद हम लोग Michael के character में switch कर सकते हैं और game को आगे play कर सकते हैं। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। I'm getting free.